अजीब बात है कि हम प्रोफेशनल कोर्स करके बैठ जाते हैं, फॉर एग्जांपल बीएड करके बैठ जाते हैं, ईटीटी करके बैठ जाते हैं, लेकिन हमको ये पता नहीं होता कि हम गवर्नमेंट जॉब के लिए फुली एलिजिबल हैं या नहीं। दैट इज़ वाई आपको एंड तक जो आपकी गवर्नमेंट जॉब में इंटरव्यू होनी है, टेस्ट होना है, वहाँ तक पहुँचने के लिए बीएड करने से इवन पहले आपको गवर्नमेंट जॉब का पता होना चाहिए, ताकि आप बीएड में जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट करके जहाँ मार्क्स का ख्याल रखना है, कैटेगरी का ख्याल रखना है, उसको ध्यान में रखते हुए टाइमली आप एडिशनल पेपर दे के गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल बन जाओ। इस वीडियो में बात करेंगे पंजाब गवर्नमेंट के जॉब रूल्स की, एलिजिबिलिटी फॉर टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और मास्टर केडर भी बोलते हैं उसको, एसएसटी टीचर की सिर्फ बात करेंगे, बाकी के सब्जेक्ट क्या डिफरेंट बात होगी ये हम जानते हैं। टीजीटी जिन्होंने सिक्स से लेकर, कलर को चेंज कर लेंगे, सिक्स से लेकर टेंथ तक टीच करना है, इसमें इस जॉब में 11वीं और 12वीं कक्षा को टीच करने के लिए की एलिजिबिलिटी नहीं बता रहा हूं, वो एलिजिबिलिटी पीजीटी टीचर की होती है। आगे चलते हैं, हमारे पास सबसे पहले ये एसएसटी टीचर की है, ये बात मैं पहले कर चुका हूं। हमारी जो ग्रेजुएशन है जहां टीचिंग सब्जेक्ट है वो कौन कौन से होने चाहिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट उसके बेस पर ही एलिजिबल नहीं होते। अच्छा, मार्क्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, कारण ये है कि गवर्नमेंट ने टाइमली चेंज करते रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये लेटेस्ट जो रूल लास्ट 2022 में ये जो जॉब निकली थी उनमें जो एसएसटी टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या थी जनरल कैटेगरी के लिए 45, ये बहुत देखने में बड़ा अचंभा है, क्योंकि यहाँ पर उस वक्त जो सरकार थी उसने घर घर रोजगार ऐसी स्कीम चलानी थी और अपना पॉलिटिकल काम भी साथ में करना था, दैट इज वाई ये रिड्यूस की गई थी। और एक टाइम ऐसा रहा है कि 55% जनरल कैटेगरी की रही है, 50 भी रही है, तो इस रेंज में रही है 55 to 45, लास्ट जो 45 थी। मैं ये मानता हूं कि जो 45 में है वो अपने आप को इतना सेफ मत समझे जनरल कैटेगरी के, क्योंकि ये बढ़कर 50 आराम से हो सकती है। अगर गवर्नमेंट एजुकेशन की तरफ ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान देना चाहती है तो नेचुरली है कि बेटर टीचर चूज करने के लिए वो ये मार्क्स बढ़ा सकती है और 55 तक जा सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के ये 50 तक ही है, केंद्रीय विद्यालय के लिए अपने अप्लाई करना है ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए, और आपकी ग्रेजुएशन जो रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटीज या इंस्टीट्यूशन से हो, जो यूजीसी कहती है। इसके अलावा जो शेड्यूल्ड कास्ट हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, बैकवर्ड क्लासेस है और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, उनके लिए 5% की रिलैक्सेशन है, 40% कम होंगे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि जो एसएसटी के लिए अब जो बीएड में क्या चाहिए। पहली बात, बीएड में क्या प्रॉब्लम आती है हमें कि जो दो सब्जेक्ट मिनिमम आपको पास किए होने चाहिए ग्रेजुएशन में। मोस्टली ये बच्चे जो हैं एक सब्जेक्ट पास करके, फॉर एग्जांपल किसी ने हिस्ट्री पढ़ी हुई है तो उसने पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला या पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, जो कि रिलैक्स्ड यूनिवर्सिटी है, वो टीचिंग ऑफ एसएसटी आपको कॉम्बिनेशन दे देती हैं, लेकिन उसके बाद आप एलिजिबल नहीं हो गवर्नमेंट जॉब पंजाब में टीजीटी के लिए, मास्टर कैडर के लिए। अब जो ये बात लर्न करने वाली है इस वीडियो में इंपॉर्टेंट, ये रही बात बीए की, और अब बीएड की जो प्रोफेशनल डिग्री है उसमें क्या गड़बड़ है रिगार्डिंग एसएसटी टीचर के लिए। सबसे पहले ये जान लेना चाहिए कि एनसी, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इन्होंने टोटल 13 सब्जेक्ट ऐसे दिए हुए हैं जिनमें हम को कम से कम दो सब्जेक्ट जो हैं, ये तो थी बीए की बात, अब बीएड के बारे में जान लें। बीएड के बारे में जानने के लिए सबसे पहले वो लिस्ट देखनी होगी जो एनसीटीई ने प्रोवाइड की है, 13 1 से लेके, ये 2 3 4, ये 13 सब्जेक्ट हैं। इनमें से ये 4 जो ग्रीन कलर के किए हुए हैं ये स्कूल सब्जेक्ट हैं। ग्रीन कलर मीन दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल सब्जेक्ट्स, के स्कूल में सोशल साइंस के ये 4 ही टीच किए जाते हैं, दैट इज वाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इनको दी होगी, दी जाती है। तो ये सिंपल गाइडेंस है आपके लिए कि आपको अगर एसएसटी के लिए एलिजिबल टीचर बनना है
तो इनमें से ही सब्जेक्ट चूज करने चाहिए। हाँ कुछ एक्सेप्शन हैं, वो वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन यहाँ पर पंजाब गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं तो देखना पड़ेगा कि पंजाब गवर्नमेंट उनको एलिजिबल मानती है कि नहीं। ये चार सब्जेक्ट मेन हैं और ये बाकी के हैं, लेकिन जब हम ये इस लिस्ट को पंजाब गवर्नमेंट जब जॉब निकालती है TGT मास्टर केडर की SST की, तो वो अपने एडवर्टाइज में हिस्ट्री तो लिखती है, ज्योग्राफी लिखती है, पॉलिटिकल साइंस इकोनॉमिक्स ये लिख रही है, स्कूल सब्जेक्ट हैं, लेकिन उसके बाद सोशियोलॉजी लिखते हैं, यहां पर सोशियोलॉजी है ठीक है, पब्लिक एड है, पब्लिक एड है। ये छह सब्जेक्ट NCT की लिस्ट के साथ मैच कर रहे हैं, उसके बाद फिलॉसफी नहीं है, ये जानने की जरूरत है। क्योंकि जो बच्चे फिलॉसफी करके बैठे हैं, मान लीजिए हिस्ट्री और फिलॉसफी करके बैठे हैं, तो वो जब पंजाब गवर्नमेंट में अप्लाई करेंगे टीचिंग पोस्ट के लिए, वो एलिजिबल नहीं होंगे। अगर उन्होंने साइकोलॉजी करी हुई है, बेशक इसमें से एक सब्जेक्ट किया हुआ है, तो एलिजिबल नहीं है। एजुकेशन ग्रेजुएशन में पढ़ा है तो एलिजिबल नहीं है। डिफेंस स्टडी पढ़ा है पंजाब गवर्नमेंट में, वो एलिजिबल नहीं है। हाँ किसी और स्टेट में जहां NCT के मुताबिक एलिजिबल हो सकते हैं। रिलीजियस स्टडी पढ़ा है तो वो एलिजिबल नहीं है। सोशल वर्क पढ़ा है तो एलिजिबल नहीं है। कम्युनिटी एजुकेशन है तो वो एलिजिबल नहीं है। हाँ इन्होंने 14वां दिया हुआ है एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये सात हैं, चार ये दो छह हो गए और ये सातवां एनवायरमेंटल स्टडी। अगर आपने इनमें से दो सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं किसमें, ग्रेजुएशन में, तो आप एलिजिबल हो। लेकिन एक फर्दर कंडीशन है, ये स्टार यहां लगा रखे हैं, स्टार में ये देख लें आप के क्या लिखा है, वो साफ ये है कि ये जो स्कूल सब्जेक्ट हैं सोशल साइंस के, इनमें से मिनिमम वन सब्जेक्ट जरूर पढ़ा हुआ होना चाहिए। आउट ऑफ विच वन सब्जेक्ट मस्ट बी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी इन ईच ईयर ऑफ ग्रेजुएशन लेवल। ये अगली बात है कि ये सब्जेक्ट कितने साल पढ़े हुए होने चाहिए। तो ये हो गई कि आपके लिए क्या अब गाइडेंस है कि अगर पंजाब गवर्नमेंट के जरिए आप ये टीचिंग जॉब में जाना चाहते हो, तो आपको इन सात में से दो पढ़ने होंगे ग्रेजुएशन में, और मिनिमम वन ये हरे वाले में से पढ़ना होगा। मैं सुजेस्ट करता हूँ हरे वाले को ही प्रेफर कीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में जब आप जाते हो तो वो इनमें से ही देखते हैं, इनको कम प्रेफर करते हैं। तो ये बात थी के ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट कौन से पढ़े होने चाहिए। ये नॉर्म्स अलग से रूल हो गया। अब जो ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट के बेस पर आपने पैडागॉजी सब्जेक्ट या टीचिंग सब्जेक्ट कौन से पढ़े हुए होने चाहिए, पहली बात क्या लिखा है, जब एडवर्टाइजमेंट आती है BEd फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट, ये सभी की नेचुरली है, फ्रॉड यूनिवर्सिटी से नहीं है, और पैडागोजी ऑफ SST आपने क्लियर किया हो ये जरूरी है। यहां पर ये बता दूं कि अगर आपने पैडागोजी ऑफ हिस्ट्री किया हुआ है, पैडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस किया हुआ है, पैडागोजी ऑफ इवन ज्योग्राफी किया है, पैडागोजी ऑफ इकोनॉमिक्स किया है, तो आप TGT के लिए एलिजिबल नहीं हो। आपको SST ही सब्जेक्ट चूज करना होगा। अगर ये करते हो तो आप उस सब्जेक्ट की MA आपके पास है तो आप PGT के लिए एलिजिबल बनते हो। अच्छा, इसके अलावा और क्या हो गई बात कि ये वेरिएशन हो सकती है, चलो ये बाद में बात करते हैं, ये स्टेट टू स्टेट, यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी BEd में वेरिएशन हो सकती है कि एक सब्जेक्ट के साथ ही आपको SST करवा देते हैं, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ वो पीछे बात कर चुके हैं, वो रेपिटेशन है। अच्छा, आप अगर हिस्ट्री आपने पढ़ा हुआ है, मान लीजिए पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, तो आप एडिशनल दे के यहां पर ये जो चार लिखे थे, मान लीजिए ये पढ़ा है, तो आपने SST नहीं है तो आप एडिशनल पेपर SST का दे सकते हैं, वो दे के आप एलिजिबल हो जाते हो। ये बात याद रखनी है कि SST के जो मार्क्स आते हैं वो ऐड नहीं होंगे आपके BEd के मार्क्स, अगर क्राइटेरिया में ऐड होते हैं, नॉर्मली अब ऐड नहीं होते, आगे चल के बात करते हैं, तो जो ग्रेजुएशन के मार्क्स है वही आपके ऐड होते हैं। एडिशनल सब्जेक्ट बेशक वो पैडागोजी BEd का हो और बेशक वो आपका ग्रेजुएशन का हो, उसके मार्क्स ऐड नहीं होते। अच्छा, दूसरी अगर बात के आप ये कहते हो कि मैंने हिस्ट्री ग्रेजुएशन में पढ़ी है और पोल साइंस या दूसरी किसी उसकी पोस्ट ग्रेजुएशन की है, या हिस्ट्री की ही पोस्ट ग्रेजुएशन की हुई है ना, तो क्या मैं SST के लिए एलिजिबल हूं, आंसर है नहीं।
आपको पोस्ट ग्रेजुएशन के बेस पर अब तक टीजीटी के लिए एलिजिबिलिटी नहीं दी गई अभी तक। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, PS2 टीजीटी के लिए जो है PS2 पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 आपका पास हुआ होना चाहिए, पंजाबी आपकी पढ़ी हुई होनी चाहिए। कब तक, 10th, जहां हायर भी लिखा है, मान लीजिए आपकी 10th तक नहीं है, 10+2 में है, ग्रेजुएशन में आपका पेपर पास है पंजाबी का, तो आप एलिजिबल हो। अगली बात, इस गवर्नमेंट ने पंजाबी का टेस्ट लेना शुरू कर दिया है जिसमें से आपके मिनिमम 50% मार्क्स आने चाहिए। नॉर्मली ये जो आता है पेपर 100 क्वेश्चन पंजाबी के पूछे जाते हैं और उसमें से 50 अगर आपने नहीं लिए तो आप जॉब की लाइन में नहीं लग सकते। उसके बाद SST का सब्जेक्ट, नॉर्मली उसमें ये 4 सब्जेक्ट होंगे जो ऊपर स्कूल सब्जेक्ट बात करके आए हैं, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स, तो ये सब्जेक्ट होगा, ये 150 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आते हैं और 50% पास है, मेरिट नहीं है, मेरिट टॉप के चुने जाएंगे। ये अगर 50% ले लेते हो तो आप मेरिट में लाइन में लगे हुए हो। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। अगर आपकी कैटेगरी शेड्यूल्ड कास्ट है, नंबर 2, शेड्यूल्ड ट्राइब से हो, अदर बैकवर्ड क्लासेस से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से हैं और अदर फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, तो आपके लिए 5% की रिलैक्सेशन होगी इस टेस्ट को पास करने के लिए। उनके लिए कितना हो गया, ये 45% मार्क्स चाहिए आपको। इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो नॉर्मली एडवर्टाइज में दिए जाते हैं, फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है, ये वेरी होता रहता है लगभग हर बार। 2015 में PSTET के मार्क्स ऐड किए गए थे, PSTET के और सब्जेक्ट टेस्ट के, इन दोनों को लिया गया, इंटरव्यू के मार्क्स या और कोई क्राइटेरिया ऐड नहीं किया गया। इट मींस के PSTET के मार्क्स को ऐड किया जा सकता है। देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की बात यहाँ जरूर करूंगा क्योंकि ये कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन, लेकिन नेशनल पॉलिसी को साथ में लेके ही जाना पड़ेगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ओके, तो इसमें साफ लिखा है कि जो टीईटी के मार्क्स हैं वो ऐड किए जाएं। अब ये भी लिखा है कि टीचर्स जब सेलेक्ट करने हैं उनकी डेमो जरूर ली जाए। तो टेस्ट ऑलरेडी हो रहा है PSTET के मार्क्स, इट मींस आप ये मत देखिए PSTET में कि मैंने 90 मार्क्स लेने हैं या 60% मार्क्स लेने हैं, आप हायर मार्क्स लीजिए, मतलब मेहनत ज्यादा कीजिए। अगर PSTET के मार्क्स ऐड होते हैं तो नॉर्मली जो ऑलरेडी ज्यादा गेन कर चुके हैं वो आगे निकल जाएंगे, तो आप ये 150 का ये जो होगा उसमें इतनी एक्सेल नहीं कर पाओगे, है ना। तो डेमो की तैयारी ये इस पॉलिसी के अनुसार है, अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने डेमो नहीं लिया। मेरिटोरियस स्कूल की सिलेक्शन जो होती रही है, शायद एमिनेंस स्कूल में भी ऐसा ही हो, तो वहाँ डेमोस्ट्रेशन आपकी होती रही है। तो अब तक जो TGT मास्टर केडर SST की पोस्ट नॉर्मल पंजाब की निकलती है उसमें सब्जेक्ट के मार्क्स और PSTET ऐड होता रहा है, लेकिन 2022 में PSTET के मार्क्स ऐड नहीं हुए, सिर्फ सब्जेक्ट के मार्क्स ही ऐड हुए हैं, ये नोट करने वाली बात। आगे है कि अगर दो जनों का टाई ब्रेक हो जाता है तो क्या होगा। मान लीजिए एक शख्स ये हैं, इनके मार्क्स आए हैं, टोटल बन गए 70 मान लीजिए, और दूसरा शख्स है उनके बन गए, ये ऐसे बना देते हैं इनको, तो उनके भी 70 आ गए, एग्जैक्ट 70, तो ये टाई कर गए। अब किसको पोस्ट मिलेगी या मेरिट में आगे किसको रखा जाएगा, तो वो अगला क्राइटेरिया होगा एज। अगर एज इनकी मान लीजिए ये 30 साल की हैं, ये 31 साल के हैं, तो इनको प्रेफर मिल जाएगी, ये इनसे आगे माने जाएंगे। मान लीजिए एज भी टाई कर गई है, इनकी भी 30 है, इनकी भी 30 है, एग्जैक्ट उसी दिन पैदा हुए हैं, फिर वहाँ आवर्स नहीं देखेंगे कौन पहले पैदा हुआ था कौन बाद में पैदा हुआ है, तो यहाँ पर 30-30 हो गए। तो नेक्स्ट क्राइटेरिया टाई को तोड़ने का क्या होगा, ग्रेजुएशन के मार्क्स। फॉर एग्जाम्पल दोनों के 70-70 है और 30-30 इनकी एज है, लेकिन ग्रेजुएशन में मार्क्स इनके ज़्यादा हैं, 1% ज़्यादा हैं, ये बेशक पॉइंट मतलब है ना 0.02% ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा 2 मार्क्स का ही फर्क है, तो नेचुरली इनको जॉब में मेरिट में आगे रखा जाएगा। एज की विवाद रहा है, कभी गवर्नमेंट बढ़ा कम कर देती है, लेकिन नॉर्मली जो चल रही है
वो 18 से 37 ईयर तक आप एलिजिबल हो, लेकिन ये जनरल कैटेगरी के लिए है। लेकिन एससी बीसी ऑफ पंजाब, ये जरूर अच्छी तरह से समझ लेना कि जो रिजर्वेशन पंजाब की है, बात पंजाब के लोगों को बेनिफिट मिलेगा। एससी और बीसी दो कैटेगरी है, 5 ईयर की रिलैक्सेशन इस 37 में आप प्लस कर लीजिए, उनके लिए बन गई है 42। अगर कैलकुलेशन गलत हो तो खुद ठीक कर लेना। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एनी अदर स्टेट सेंटर, ये अलग से कैटेगरी है। अगर आप ऑलरेडी किसी गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, बेशक वो सेंटर की है, स्टेट की है, किसी भी स्टेट की है, तो आपकी एज रिलैक्सेशन आपको है 45 ईयर तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये होगी बात। विडोज हैं, विडोज और डाइवोर्सी वुमेन ऑफ पंजाब, मैं दोबारा अंडरलाइन कर रहा हूँ, ऑफ पंजाब, ऑफ पंजाब, ऑफ मतलब बाहर वाले अगर अप्लाई करते हैं, पंजाबी भी क्लियर कर ली है, लेकिन उनको ये रिजर्वेशन या बेनिफिट नहीं मिलते, 42 ईयर है। अच्छा, पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ पंजाब, अगेन पंजाब, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो रिलैक्सेशन 10 ईयर है, 37 अपर लिमिट थी, 47 तक ये पहुंच गए पर्सन विद डिसेबिलिटी। आगे है रिटायर्ड सोल्जर, इनका जो थोड़ा कैलकुलेशन जॉब ईयर कितने की हुई की है, उन्होंने गवर्नमेंट वो जो जो डिफेंस में रहे हैं कितना टाइम रहे हैं, उसके मुताबिक इनकी कैलकुलेशन होती है। रिजर्वेशन सर्टिफिकेट ऑफ मैरिड वुमेन, ये अलग से वीडियो इस पर आएगा कि रिजर्वेशन के लिए आपके नाम का पंगा जो फीमेल का है क्या क्या पड़ता है, अगर आप कमेंट करोगे तो ये बना दूंगा। रिजर्वेशन ओनली टू, पीछे बात हो गई है कि पंजाब स्टेट कैंडिडेट को ही मिलेगी रिजर्वेशन। मैरिट मेल और फीमेल की ज्वाइंट बनेगी, अलग अलग से नहीं बनेगी। सिलेबस क्या है, तो ये वेबसाइट है, ये नोट कर लीजिए, यहाँ पर नॉर्मली होता है, जब ऐड आएगी तब ये नोट किया जा सकता है। तो ये थे एसएसटी टीचर की एलिजिबिलिटी गवर्नमेंट जॉब के लिए क्या है, मास्टर केडी के लिए क्या है। बाकी साइंस टीचर है, मैथ्स टीचर है, म्यूजिक टीचर है, फिजिकल एजुकेशन टीचर है, सभी की जिनकी पोस्ट एडवर्टाइज हुई हैं उनके नेक्स्ट वीडियो होंगे, नीचे लिंक दिए गए होंगे, आप देख सकते हो। इसके अलावा पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है, पीजीटी टीचर हैं, उनकी एलिजिबिलिटी, ईटीटी टीचर की एलिजिबिलिटी क्या है, सबके डिफरेंट वीडियो हैं, नीचे लिंक दिए गए होंगे। कोई आपका क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।